रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास ग्रेड 3, न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ लेसन नंबर 14, रिलीजन, रीडिंग पेज नंबर 84, 85, 86। डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ 4th एडिशन लेवल 3। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 84। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन 14, रिलीजन। रिलीजन मीन मजहब। From the earliest times, different people have had different beliefs about God, Allah, and how human beings should conduct their lives on earth. गुज़िश्ता वक्तों से मुख्तलिफ लोगों के खुदा के बारे में मुख्तलिफ अकायद थे और इंसान कैसे ज़मीन पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते थे। Today, these beliefs are called religions. आज इन अकायद को मज़ाहिब कहा जाता है। Religions were separate by people called prophets who had been chosen by Allah. मज़ाहिब लोगों ने फैलाए जिन्हें नबी कहा गया, जिन्हें अल्लाह ताला ने मुंतखब किया। His wishes and commands were revealed to the prophets and some were also granted divine books. अल्लाह की ख्वाहिशात और हुक्म नबियों पर जाहिर की गई और कुछ को मुकद्दस किताबें दी गई। Many people listened to the prophets and religious leaders and forward their teaching. बहुत से लोगों ने नबियों और मजहबी रहनुमाओं को सुना और उनकी तालीमात की पैरवी की। The words and teaching of the prophets have been written down in the holy books. नबियों के अल्फाज और तालीमात को मुकद्दस किताबों में लिख दिया गया। The followers of Islam are called Muslim. इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। They believe in one Allah. वो एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं। Their faith is that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Allah's last prophet and the Holy Quran are revealed to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final word of Allah. उनका अकीदा ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे और कुरान मजीद जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वो अल्लाह का आखिरी कलाम है। Islam does not allow the worship of any idols or pictures of Allah or of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam or any other religious leaders. Islam Allah ya Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kisi dusre mazhabi leader ki tasaveer aur button ki puja ki ijazat nahi deta. Dear students, come to the next page number 85. Other religions have their own prophets and their own holy books. दूसरे मज़ाहिब के अपने नबी और अपनी मुकद्दस किताबें हैं। The Quran also mentions the name of many prophets and their divine books. कुरान मजीद में बहुत सारे अम्बिया के नाम और उनकी आसमानी किताबों का जिक्र है। Among these are Moses, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम and Jesus, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. Judaism is one of the oldest religions. Judaism means Yahudiyat. Yahudiyat एक पुराना मज़हब है। It was preached by Moses, Hazrat Musa alayhi salam, to whom God gave the holy book Torah या तुरात। Preached means तबलीग करना। इसकी तबलीग हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने की जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से तुरात नाजिल की गई। Its believers are called Jews. इसके मानने वालों को यहूदी कहते हैं। द ज्यूस प्रे इन अ सिनागोग, यहूदी इबादत खाने में इबादत करते हैं। क्रिश्चियनिटी इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ जेसस क्रिस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाइत ईसा मसीह की तालीमात पर मबनी है। द होली बाइबल इंजील वाज रिवील्ड बाय गॉड टू क्रिस्ट, मुकद्दस इंजील अल्लाह की तरफ से मसीह पर उतारी गई। हिज फॉलोवर्स आर कॉल्ड क्रिश्चियंस एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड अ चर्च, इसके मानने वालों को ईसाई कहते हैं और इनकी इबादत गाह को चर्च कहा जाता है। अ चर्च, गिरजाघर। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म बिगेन अबाउट 4000 ईयर्स अगो इन पर्शिया नाउ ईरान विद द टीचिंग्स ऑफ ज़ोरोस्टर। ज़र्दशत पसंदी का आगाज तकरीबन 4000 साल पहले ज़ोरोस्टर की तालीमात के साथ फारस में हुआ, जब ईरान है।
द पीपल हु फॉलो दिस रिलीजन आर कार्स जोरास्ट्रियंस परसीज लोग जो इस मज़हब की पैरवी करते हैं उन्हें जरतश्तेरियन कहा जाता है देयर होली बुक इज कॉल्ड द अविस्ता एंड द प्रे इन अ फायर टेंपल इनकी मुकद्दस किताब को अविस्ता कहते हैं और वो आग के मंदिरों में इबादत करते हैं हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द विदास द उपनिषद द पुराणास एंड द भगवत गीता हिंदू मत की तालीमात विदास उपनिषद पुराणास और भगवत गीता पर मबनी है देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड द टेम्पल और मंदिर इनकी इबादत गाह को टेम्पल या मंदिर कहा जाता है अ मंदिर डियर स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 86 फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एंड द नाइन गुरुज ऑफ टीचर्स हु केम आफ्टर हिम सिख गुरु नानक और नौ गुरु या उसके बाद आने वाले असाजा की तालीमात की पैरवी करते हैं द होली बुक ऑफ द सिख इज द गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की मुकद्दस किताब को ग्रंथ साहिब कहते हैं सिख्स वर्शिप इन अ टेंपल कॉल्ड गुरुद्वारा सिख मंदिर में इबादत करते हैं जिसे गुरुद्वारा कहा जाता है बुद्धिस्ट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध मत गौतम बुद्ध की तालीमात की पैरवी करते हैं बुद्धा लिव्ड इन इंडिया अबाउट 2500 years ago, बुद्ध तकरीबन 2500 साल पहले इंडिया में रहते थे द रिलीजन ही टॉट इज कॉल्ड बुद्धिज़्म उसने जिस मज़हब की तालीम दी उसे बुद्ध मत कहा जाता है बुद्धिस्ट वर्शिप इन अ टेम्पल बुद्ध मत के पैरोकार मंदिर में इबादत करते हैं असिख गुरुद्वारा अ बुद्धिस्ट टेम्पल Dear students, we have finished the reading of lesson 14, Religion. Now open your notebook. I will teach you the words meaning missing letters and question answers of this lesson. First of all, mention the date and day. Lesson 14, Religion. The first topic is words meaning. Beliefs. Beliefs mean aqaid. Conduct. Conduct mean amal karna. Divine. Divine mean muqaddas. Idol, idol mean Buddh, temple, temple mean Mandir, priest, priest mean Tabligh Karna. Dear students, come to the next topic, lesson number 14, Religion. Write the missing letters. Number 1, Religion. Number 2, Quran. Number 3, Islam. Number 4, Prophet. Number 5, Teaching and number 6 worship lesson 14 religion question answers question 1 what is the holy book of the Muslims called the answer is it is called the holy Quran or the Quran Sharif question 2 who are the Parsis the answer is the people who follow the Zoroastrianism are called Parsis question 3 when did Buddha live The answer is Buddha lived about 2500 years ago. Question 4. What is the Bible? The answer is the Bible is the holy book of the Christians. Dear students, do this work on your notebook. Students, now open your book page number 87, lesson number 14, Religion. Part A. Match the places of worship with the religion. Ye aapne khud karna hai. Part B. Complete the fact file about different religions. Religion, Holy Book, Followers, Islam, Quran Sharif, Muslims, Christianity, the Bible, Christians, Judaism, Torah, Jews. Part C. Match these prophets and religious teachers with the religious they started. Dear students, I have done it for you. Now you can do it easily on your books. Allah Hafiz.